नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की मदद के लिए हर वो लक्ष्मण रेखा पार करने का भरोसा दिलाया है जो खेती किसानों को फायदे का धंधा बना सके। शनिवार को भोपाल में अपना अनशन शुरू करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों का आंदोलन वाजिब हो सकता है, लेकिन मौका परस्तों की करतूतों और राजनीति ने इसे अराजक बना दिया। प्रदेश में अजारक हुए किसान आंदोलन से दुखी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने वादे के मुताबिक शनिवार से राजधानी भोपाल में भेल दशहरा मैदान में अनिश्चितकालीन उपवास पर बैठ गए। यहीं से शिवराज किसानों की सुनेंगे और यहीं से सरकार चलेगी। देश में शांति बहाली के शुरू किए गए अनशन के दौरान शिवराज सिंह ने साफ कर दिया है कि खेती को फायदे का धंधा बनाने और धरती पुत्र की तकलीफों को दूर करने के लिए वे और उनकी सरकार किसानों के साथ है। अनशन के मंच से ऐलान करते हुए शिवराज सिंह ने कहा कि ग्रामनगर निवेश के तहत बनाए गए नियमों में तत्काल बदलाव किया जाएगा और किसान की मर्जी के बिना उसकी जमीन पर कोई भी नजरें टेढ़ी नहीं कर सकेगा। मध्य प्रदेश के किसान भाइयों, तुम्हारा मुंह 5,225 रुपया क्विंटल खरीदा जाएगा, मैं खरीदूंगा पूरा। तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं दी जाएगी, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाने दी जाएगी। फिर उड़द उत्पादन करने वाले किसानों ने कहा कि भाई साहब उड़दा भी हुआ है तो मूंग के दाम पर उड़दा भी खरीदा जाएगा, उड़द भी खरीदी जाएगी। एक बात मैं साफ कहना चाहता हूँ, किसान को लाभकारी मूल्य देने में मध्य प्रदेश की सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। फसलों के दाम गिरते हैं, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, पूरे प्रदेश के किसान ध्यान से सुन ले, किसानों को लाभकारी मूल्य देना मध्य प्रदेश की धरती पर सुनिश्चित कर दिया जाएगा। शिवराज यही नहीं रुके, किसान और उपभोक्ता के बीच के दलालों की व्यवस्था को खत्म किए जाने की जरूरत बताते हुए उन्होंने कहा कि आढ़तियों को मिलने वाले कमीशन को सरकार ने 8% से घटाकर 2% कर दिया है। लग जाए एक बड़ी विसंगति है, हम सबको उस पर विचार करना पड़ेगा। किसान बेचता है सस्ता बिकता है, उपभोक्ता को मिलता है महंगा मिलता है। यहाँ प्याज 2 रुपया किलो और जब उपभोक्ता तक पहुंचे तो कई गुना ज्यादा कीमत पड़ जाए। किसान की चीज सस्ती तो उपभोक्ता को मिले महंगी, बीच में बिचौलिए लाभ उठाए, मेरी कोशिश रहेगी कि जो 8% ऑर्डर वाला मामला है उसको घटा के हमने तत्काल प्रभाव से 2% करने का फैसला किया। इससे ज्यादा बिचौलिए लाभ नहीं उठाएंगे। अनशन पर बैठकर प्रदेश में शांति बहाली का ये मास्टर स्ट्रोक शिवराज के लिए कितना मुफीद होगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन आंदोलन के दबाव में जन नेता शिवराज के किसान हितेशी फैसले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए संजीवनी साबित हो सकते हैं। न्यूज आज के लिए प्रसन्ना शहाड़ी की रिपोर्ट, भोपाल। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज आज।